मैं खुद ढूंढ ली, मेरा बच्चा मार के पटक रहा था। लेडीज सब हाथ छोड़ते वो करते फलाने करते, मेरा बेटा तो चला गया। फिर बोल रहे भाई साहब हमारी मदद तो करो आप, वो मदद ही नहीं कर रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद इंसानियत शर्मसार होती नजर आएगी। यहां पर एक 2 साल के मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये हत्या क्यों की गई, तमाम सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस बच्चे की उम्र महज 2 साल बताई जा रही है और जिस प्रकार से इसकी हत्या की गई, जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि इस बच्चे के मुंह को बुरी तरह से कुचल दिया, उसके बाद इसकी पिटाई की गई, इसके शरीर पर काटने के भी निशान नजर आए। इसके अलावा दावा तो ये तक किया जा रहा है कि इसके शरीर पर सिगरेट तक से दागा गया है। जी हाँ, इसके शरीर पर सिगरेट के निशान भी मिले, यानी कि सिगरेट से जलाने के निशान भी मिले हैं। और उसके बाद उसके शव को एक कपड़े में लपेटकर टॉयलेट में फेंक दिया गया, जो टॉयलेट इस बच्चे के घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर था। अब इसको लेकर इस बच्चे की मां का बयान भी सामने आया है, किस प्रकार से बच्चे की मां ने पुलिस प्रशासन पर काम ना करने के आरोप लगाए हैं। आप सबसे पहले उसकी मां का बयान सुनिए। आयुष नाम है मेरे बेटे का। आपका नाम क्या है? अनु। कब की वारदात है और क्या मामला? रात को 8-7 बजे हम बाजार गए, 8 बजे वापस आके देखा आयुष नहीं पा रहा, पूरे कैंप में ढूंढ लिया, 10 बजे तक ढूंढा कैंप में, थाने पे गए, उन्होंने बोला इतनी जल्दी नहीं लिखेंगे कंप्लेंट, बाहर जाओ। फिर ढूंढे 12 बजे भी गए, 1 बजे भी, 2 बजे भी, कभी चाय पी रही है तो कंजड़े ने बाहर निकालो, सुनवाई नहीं कर रही। रात को मैंने बोला जोड़े भैया 2 पुलिस वाले भेज के मेरा बच्चा ढूंढवा दो, खुद ढूंढो, सुबह 8 बजे कैमरे में चेक करेंगे कहाँ गए। सुबह 8 बजे मैं जग गई, मैं पूरी रात नहीं सोई, सुबह 8 बजे दोबारा गई, एक पुलिस वाला के कह रहे तो सारे कैमरे खराब है, वापिस चला गया। मैं खुद ढूंढ ली, मेरा बच्चा मार के पटक रहा था, जब से तो कुछ नहीं करा, उन्हें टाके ले गए जाने। कहाँ पटक रखा था, मार के नहीं? लेटरिंगों में बोलो बच्चे को मार दिया। कुछ नहीं पता भैया, मुझे कुछ पता नहीं है, चीजें पहन रखी थी बच्चे ने। नहीं भैया किसी से कुछ नहीं, चांदी के कड़े पहन रखा था मैं साथ में, और कुछ भी नहीं। वो चांदी के कड़े समय के ले गया, पता नहीं टाके कौन, पता नहीं कौन लेकर गया मैं चाहती हूँ जैसे मेरा बच्चा गया और किसी का बच्चा नहीं जाए। इंसाफ की पुकार है। इस थाने में तो कभी कंप्लेंट नहीं लिखते, इस थाने में मेरा बेटा तो चला गया। अब इसके आगे इस बच्चे के दादा ने क्या कुछ कहा है, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, क्या बच्चे के माता पिता की मांग है, उसके परिवार की मांग है, वो भी आप सुनिए। सूरज नाम है मेरा, दादा लगता हूँ लड़के का, करीब 7 या 8 बजे से बच्चा लापता हो गया था, तो हम उसको ढूंढने के लिए सब जगह निकल गए, पुलिस में कंप्लेंट भी दी, 10-10 कंप्लेंट दी, चाय पी रहे, कह रहे हम ढूंढ लेंगे, सुबह ढूंढ लेंगे, शाम को ढूंढ लेंगे, वो कर लेंगे, फलाने कर लेंगे, वो सुनवाई नहीं कर रहे है ना। फिर उसके बाद वो बोलते है ना कि तुम लोग ढूंढो, हम तुम्हारे साथ ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढ रहे हैं। फिर बोल रहे भाई साहब हमारी मदद तो करो आप, वो मदद ही नहीं कर रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, लेडीज सब हाथ छोड़ते वो करते फलाने करते, आए दिन हमारे बच्चे कोई सुनाई सुनाई नहीं कर रहे हमारी। ठीक है, क्या मांगे? हमारी मांगे कि माँ को इंसाफ चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से ये मामला अभी सामने आया है और जब ये सब कुछ हुआ था वहाँ पर तमाम जो पुलिस थे वो भी मौजूद थे, पुलिसकर्मी मौजूद थे, उसकी भी कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं, आप वो भी देखिए। सर आप
कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से बच्चे की हत्या की गई है, क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बच्चे ने हाथों में चांदी के कड़े पहने थे। लेकिन अगर सिर्फ चोरी के मकसद से पहले बच्चे का अपहरण किया जाता, चोरी की जाती, तो इस तरह से बच्चे का कत्ल नहीं किया जाता। लेकिन बच्चे की जिस तरह से हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, कहीं ना कहीं लोगों का अंदाजा है कि हो सकता है कोई आपसी रंजिश हो। लेकिन परिवार सीधे तौर पर इस बात से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। अब ये सारी चीजें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी कि आखिर बच्चे की इस तरह से निर्मम हत्या क्यों की गई, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए 2 साल के मासूम बच्चे की आखिर किससे क्या ही दुश्मनी हो सकती है। अब पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।